हेलो हाय व्हाट्स अप पीपल, कैसे हैं आप लोग ट्रैवल फ्रीक्स। मेरा नाम है देवांशु और आप देख रहे हो ट्रैवल स्पाई। तो ट्रैवल स्पाई पे इतने सारे वीडियोस आप लोगों ने इतना भरपूर प्यार दिया, फटे शेयर किया, बहुत मजा आया। हम लोग आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, बहुत प्यार आता है। और आज जिसका हाउस टूर हम लोग यानी कि मैं और ट्रैवल स्पाई मिलकर आपको देने वाले हैं, वो बहुत ही बड़े बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और प्रेजेंटर भी है। मतलब टीवी शोज में तो होस्टिंग करते ही करते हैं, साथ में मूवीज में ये 20 25 लाख 50 लाख की गाड़ियां तो ऐसे उड़ाते हैं। कैसे ऐसे? नाम है द रो सुपरहिट शेट्टी। रोहित शेट्टी का हाउस टूर आज हम आपको देने वाले हैं, जो कि रहते हैं जुहू में, अमिताभ बच्चन जी के घर के बहुत ही नजदीक। तो हम वहां जाने वाले हैं और आप लोग को बताने वाले हैं। पर अभी के लिए हम लोग हैं अंधेरी स्टेशन पर। अगर दुनिया के किसी भी कोने में हो और रोहित शेट्टी के घर को देखना चाहते हो, उनसे मुलाकात करना चाहते हो, तो प्लीज हमारा वीडियो एंड तक देखिए और बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि अच्छा ही लगेगा। और रोहित शेट्टी के घर जा रहे हैं। यार ये जो रोहित शेट्टी हैं, मेरा मतलब है जो रो सुपरहिट शेट्टी है, इनकी फिल्म्स इतनी पावर पैक होती है कि उनमें अत लेवल का ह्यूमर, कॉमेडी, रोमांस, एक्शन, थ्रिलर सब कुछ होता है। ये तो इतनी पावर पैक फिल्म्स जब भी टीवी पे आती है, जितनी भी बार आती हैं, तो मैं तो हमेशा देखता हूँ, आपका पता नहीं, बट आई होप कि आप लोग भी देखते होंगे, क्योंकि इतनी एंटरटेनिंग इनकी फिल्म्स होती हैं। तो रोहित शेट्टी के घर अगर आपको जाना है, तो मैं अंधेरी स्टेशन से सीधा आ चुका हूँ अपनी फटपटी पे बैठ के। किधर? जुहू सर्कल पर। तो दिस इज द फर्स्ट एंड फाइनल लैंडमार्क टू रोहित शेट्टीज हाउस। यहाँ पर आके आपको ऐसा लगेगा कि बस सिर्फ एक कदम दूर हो आप अपने फेवरेट बॉलीवुड सुपर डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर से, जिनका घर है अमिताभ बच्चन के बंगले के थोड़ा ही नजदीक, बहुत ही नजदीक। वहाँ पे और भी सारे सेलिब्रिटीज रहते हैं, पर आज दिखाएंगे हम रोहित शेट्टी का घर आपको। तो रोहित शेट्टी जो डायरेक्टर हैं, वो 17 साल की उम्र में ही असिस्ट करने लग गए थे डायरेक्शन। तो यार बहुत एक्सपीरियंस लेकर आए हैं, क्योंकि इनकी जो माताजी हैं श्रीमती रत्ना शेट्टी जी और इनके जो पिताजी हैं श्री MB शेट्टी, ये दोनों ही बॉलीवुड से ताल्लुकात रखते हैं। इनकी माताजी एक जूनियर आर्टिस्ट थी और इनके पिताजी एक एक्टर और स्टंटमैन थे, जो हिंदी और कन्नड़ फिल्म्स में काम करते थे। तो शेट्टी साहब की ज़िंदगी के बारे में और बहुत सारी बथेरी बातें करनी है हमको, तो अभी जुहू सर्कल से हटते हैं और फटाफट चलते हैं, क्योंकि शेट्टी साहब इज़ द ओनली फिल्म डायरेक्टर इन इंडिया, मतलब बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर, जिनका नाम सबसे ज़्यादा 100 करोड़ क्लब वाली फिल्म्स देने में आया जाता है। तो गिनते हैं इनकी और ज़्यादा 100 करोड़ वाली फिल्म्स। तो चलते हैं जुहू सर्कल से, निकलते हैं फटाफट ट्रैवल्स पर। देवांशु मेरा नाम, कम ऑन। मार्च 1973 को पैदा हुए थे हमारे मिस्टर रोहित शेट्टी। तो रोज सुपरहिट शेट्टी के घर के जस्ट बाहर हम लोग आ चुके हैं। ये हैं हास्य कलाकार महमूद चौक, जो कि है जुहू रोड पर। और यहाँ से मतलब हम जुहू सर्कल से बिल्कुल सीधा आए हैं। सीधे आते आते आपको कहीं नहीं मुड़ना है, सिर्फ और सिर्फ उड़ना है, क्योंकि आप हैं रोहित शेट्टी के घर के ठीक बाहर। दैट इज शेट्टी टावर फॉर यू। आप जैसे कि देख पा रहे हैं मेरे बिल्कुल पीछे, बहुत ही ऊंची सी ये बिल्डिंग है, बहुत ही सुंदर सा इसका आर्किटेक्चर सा ऐसा लग रहा है। अंदर तो गाड़ियां भी खड़ी है, स्पोर्ट्स कार जिन पे कवर लगा हुआ है ब्लू कलर का, उस पर बाहर बड़ा बड़ा लिखा है RS, दैट इज रोहित शेट्टी। वो हम आपको अगर दिखा पाए तो दिखा देंगे, नहीं दिखा पाए तो माफी चाहते हैं। पर रोहित शेट्टी जो हैं, इन्होंने इतनी सारी फिल्म्स करी है, पर 2003 में जब फिल्म करी थी इन्होंने अजय देवगन के साथ जमीन, तो ये उनकी डेब्यू फिल्म थी एज अ डायरेक्टर। उसके बाद में 2006 में गोलमाल, देन गोलमाल रिटर्न, गोलमाल 3, चेन्नई एक्सप्रेस, बोल बच्चन, ऑल द बेस्ट एंड व्हाट नॉट। इतनी मेहनत और इतनी स्ट्रगल, इतनी मशक्कत के बाद आज जुहू में इन्होंने इतना बड़ा मकान लिया है, जिसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा है कि आपको थोड़ी देर में बताएंगे इनकी नेटवर्थ भी और क्या क्या। रोहित शेट्टी के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको शायद नहीं पता होगी, वो कौन बताएगा? देवांशु ट्रैवल स्पाई के ऊपर। स्टे अपडेटेड, स्टे हुक, शेट्टी टावर फॉर रोहित शेट्टी। हाय हाय, कितना बड़ा गा रहा। ओहो, oh.
रोहित शेट्टी ने अपने करियर की स्टार्टिंग करी थी एज अ डायरेक्टर विद अजय देवगन। उसके बाद में अजय देवगन के साथ में इन्होंने इतनी फिल्म्स बनाई, इतना नाम कमाया, और सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, सिर्फ इंडियन सिनेमा में ही नहीं, इन्होंने टीवी में भी अपना बहुत बड़ा नाम बनाया एज अ जज, एज अ होस्ट। जैसे कि कॉमेडी सर्कस में ये जज बन के आते थे, खतरों के खिलाड़ी जो फियर फैक्टर है उसमें ये होस्ट करते थे, और उसमें जो एक्शंस होते थे ये पहले खुद करते थे, उसके बाद में कंटेस्टेंट्स को करके दिखाते थे कि बेटे ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो इतनी मेहनत के बाद, इतने संघर्ष के बाद इनकी नेटवर्थ आज की तारीख में 2021 के अंदर है 280 करोड़ की। तो 280 करोड़ की नेटवर्थ इनकी 2021 में जो है वो एस्टिमेट की गई है। इनके पास कम से कम 4 से 6 करोड़ की लग्जरी कार्स हैं, और पर ईयर अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 करोड़ का ये इनकम टैक्स भी देते हैं। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन 6 से 7 करोड़ का हर साल टैक्स देते हैं, मतलब इनका भी हमारी योगदान है किसमें, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, और जो भी देश तरक्की कर रहा है उसमें शेट्टी साहब का भी बहुत योगदान है। इतनी बड़ी जो इमारत बनाई है ना, इसकी रेंटल इनकम कितनी आती है वो तो नहीं पता है, पर बहुत सारा पैसा कमाते हैं ये। तो यार जब इतनी मेहनत करी है, इतनी फिल्म्स में काम किया है, इतना टीवी में काम किया है, तो इतने अवार्ड्स तो मिलने ही थे। मतलब इनको बेस्ट फिल्म डायरेक्टर का अवार्ड तो थोक के भाव में मिला हुआ है। इतनी बार इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है कि मैं जितनी फिल्म्स है ऑलमोस्ट उनके लिए मिला ही मिला है। फिर मोस्ट एंटरटेनिंग डायरेक्टर का भी इन्हें अवार्ड मिला है। फिर मिस्टर ब्लॉकबस्टर इंडिया का भी अवार्ड मिला है, क्योंकि इनकी फिल्म्स को हाईएस्ट ग्रॉसिंग ही इतनी लगती है। ये अवार्ड लेते लेते नहीं थके कि हम अवार्ड बोलते बोलते थक गए, और अगर आप थक गए हैं तो हमारे जाने का वक्त हो चुका है। तो सजेशंस और फीडबैक्स आर ऑलवेज वेलकम्ड बाय मी एंड ट्रैवल स्पाई। तो स्टे अपडेटेड, स्टे हुक्ड विद ट्रैवल स्पाई। कोई भी काम हो इंस्टाग्राम पे आ जाइए, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आरजे देवांशु, नाम की स्पेलिंग है RJDEWANSHU। तो स्टे अपडेटेड विद मी ऑन इंस्टाग्राम एंड बॉलीवुड स्पाई एंड ट्रैवल स्पाई। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। कुछ भी और वीडियो बनाना है तो बता दीजिए, क्योंकि हमारी जनता का हुक्म सराखों पर। सी यू, खुदा हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।